हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कलर फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे। आखिर ये ऑप्शन है क्या और ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको ऊपर के इन दोनों ऊपर के जो चार ऑप्शन है इनके बारे में पता ही चल गया होगा। दोस्तों, जो ये सब ऊपर के चार ऑप्शन थे ये हमारा डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग करने में मदद करते थे। तो दोस्तों, ये जो कलर फिल्टर है ये भी हमारा डिस्प्ले को चेंज करने में ही मदद करता है, यानी हमारे कंप्यूटर की या लैपटॉप की जो भी स्क्रीन है उसको थोड़ा स्टाइलिश करने में ही ये कलर फिल्टर्स वाला ऑप्शन मदद करता है। तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे राइट साइड पे कई सारे ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है। आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, आपको ये बड़ा ईजिली समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करके देखते हैं कि आखिर इसको ऑन करने से होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि मेरा जो लैपटॉप की स्क्रीन का जो कलर वगैरह ये थोड़ा स्टाइलिश हो गया, चेंज हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑन होने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा इन्वर्टेड पे फर्स्ट जगह क्लिक हुआ है। तो दोस्तों, इन्वर्टेड का मतलब यही होता है कि अपोजिट कलर। जैसे दोस्तों, अभी यहाँ पे आप ऑफ देखे थे तो यहाँ पे मेरा वाइट कलर था, तो वाइट कलर का अपोजिट कलर होता है हमारा ब्लैक। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्लू रंग दिख रहा होगा, तो ब्लू का जो अपोजिट होता है वो ऑरेंज या ब्राउन के बीच में ही होता है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा आपको देख रहे होंगे ये हल्का हल्का ब्राउन दिख रहा होगा, ऑरेंज भी दिख रहा होगा हल्का हल्का, और दोस्तों यहाँ पे व्हाइट था तो ब्लैक हो गया। तो दोस्तों, इसको ऑन होने के साथ अगर यहाँ पे आपका क्लिक होगा तो आपका अपोजिट कलर डिस्प्ले करेंगे। तो उसी के साथ दोस्तों, अगर ये ऑन होगा और सेकेंड वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा ग्रे स्केल यानी पेंसिल के कलर की चीज़ें दिखेंगी, आपको आइकन वगैरह फोटो वगैरह। आप देखिए मेरा जो पूरा स्क्रीन है लैपटॉप का ये थोड़ा सा ग्रे हो गया है। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं ये थर्ड नंबर पे कर दूँ तो आपको पूरी लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट में दिखेगी। ये देखिए मेरी जो पूरी कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन है पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट हो गई है। तो आपको इन तीनों में से जिस पर भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है अलाउ द शॉर्टकट की टू टॉगल फिल्टर ऑन और ऑफ। तो दोस्तों, इस कलर फिल्टर के ऑप्शन को हम यहाँ बटन से ऑन ऑफ तो कर सकते हैं, साथ ही साथ हम एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी इसको कहीं से भी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विंडोज बटन, कंट्रोल बटन और सी बटन। तो दोस्तों, आप इन तीन बटन को एक साथ दबाएंगे तो आपका ये जो कलर फिल्टर्स वाला है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे अभी देखिए मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन दोस्तों इन जो शॉर्टकट की है इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको यहाँ पे टिक लगाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे टिक नहीं लगा होगा तो आप अगर विंडोज बटन, कंट्रोल बटन, सी बटन दबाएंगे भी तब पे भी ये ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको इसको टिक लगाना होगा। जैसे मैंने टिक लगा दिया, उसके बाद आप स्क्रीन पे कहीं पे भी आ जाइए, आप विंडो बटन, कंट्रोल बटन और सी बटन एक साथ दबाइए। देखिए मेरा ये एक्टिवेट हो गया कलर फिल्टर। अब दोस्तों, उसको डीएक्टिवेट करने का भी सेम प्रोसेस है, आप विंडो बटन, कंट्रोल बटन, सी बटन दबाइए, ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये यहाँ से ऑफ होगा उसके बाद मैं विंडो, कंट्रोल और सी दबाऊंगा तो देखिए मेरे में कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं इसको टिक लगा के विंडो, कंट्रोल और सी दबाऊंगा तो ये मेरा देखिए ऑटोमेटिकली ऑन और यहाँ से ऑफ भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसको यूज कैसे करना है। दोस्तों, हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इन तीनों के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि ये चेंजेस आपको तभी दिखेंगे जब ये आपका कलर फिल्टर ऑन होगा। अब दोस्तों, अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है और सिलेक्ट अ कलर ब्लाइंडनेस फिल्टर टू मेक द नाइस कलर ऑन द व्हील मोर डिस्टिंक्ट। तो दोस्तों, अभी आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा कि आखिर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूँ आखिर है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों, इन तीनों ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इसको आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप इन सब के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक हो जा रहा है। आखिर इनके ऊपर क्लिक करने से होता क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आखिर इनके ऊपर क्लिक करने से होता क्या है। दोस्तों, कुछ लोग कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को कुछ स्पेशल कलर नहीं दिखाई देते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी कलर हो सकता है दोस्तों, जो लोगों को दिखाई नहीं देते। मैं आपको एक फेमस एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो जो हमारे फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको जो रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता वो एक कलर ब्लाइंडनेस है। इसी तरह दोस्तों, और सारे भी लोग होते हैं जिनको ब्लू रंग नहीं दिखा देता, कुछ लोग को येल्लो रंग नहीं दिखाई देता,
तो अगर उन लोगों को अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करना है, अगर उन लोगों को रेड रंग, ब्लू रंग या येलो रंग देखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने कंप्यूटर में इन सब सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने से होगा क्या, जो उनकी डिस्प्ले होती है थोड़ी सी कस्टमाइज हो जाती है और उनको जो कलर होते हैं जो उनको दिखाने देते हैं उनको दिखाने में ईजिली होती है। क्योंकि दोस्तों जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, मान लीजिए मार्क जुकरबर्ग रेड रंग और ग्रीन रंग कलर ब्लाइंडनेस है, तो उनको रेड और ग्रीन ब्लैक में दिखेगा। तो दोस्तों अगर वो ये सेटिंग करके कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे या लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो डिस्प्ले होगा थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा और उनको रेड और ग्रीन कलर उससे रिलेटेड कोई दूसरा कलर दिखेगा या उसको दिखने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कलर ब्लाइंड जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनके लिए होता है। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि साइड में दिया हुआ है कलर सेटिंग। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप ये देखिए कलर वाले पे आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना ही दिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इसको डिटेल में जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है थीम सेटिंग। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखिए ये थीम वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एक बार मैं फिर से करता हूँ, ये देखिए दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप थीम वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। अब दोस्तों गेट हेल्प क्या होता है, दोस्तों अगर आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर लोगों के कंप्यूटर में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं कुछ कम ऑप्शन होते हैं, तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप गेट हेल्प पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट के बॉट्स के माध्यम से टाइपिंग के द्वारा बातचीत कर सकते हो, वो आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन दे देंगे। अब दोस्तों अगला ऑप्शन बात करते हैं जो कि गेट फीडबैक। तो दोस्तों इसके अंदर यही होता है कि आपको जिस भी सेटिंग के अंदर या जिस भी ऑप्शन के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए आप यहाँ पे गेट फीडबैक दे दीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में उसको ठीक कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये कलर फिल्टर वाला ऑप्शन पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी लगभग सभी कवर हो गई। फिर भी दोस्तों कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।